हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस का सीरीज, जो आपके लिए हर एक एग्जाम फिजिकल एजुकेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह सेट बी का अभ्यास 6 है। इस तरह के 16 से 17 सेट हैं, जिसमें से प्रत्येक में सेट में 10 से 12 अभ्यास हैं। 5-6-7 हज़ार क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। इसी तरह के क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में, फिजिकल एजुकेशन कंपटीटिव एग्जाम, चाहे यूपी डीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, अदर स्टेट के डीजीटी पीजीटी हो, सभी के लिए है। दोस्तों, मेरे चैनल पर थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज पूरा दिया गया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हर एक टॉपिक को पढ़ सकते हैं थ्योरी सेशन में। एंड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी दिया गया है, और प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी कराए गए हैं, और ऑनलाइनर क्वेश्चन भी कराए गए हैं। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के अभ्यास की तरफ। आप अपना स्कोर चेक कीजिए जो भी आप अभी तक पढ़े हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तिगत फीडबैक किसके द्वारा सुविधाजनक बनता है? तो व्यक्तिगत फीडबैक जो है वह गति बोधक ज्ञान द्वारा सुविधाजनक बनता है। नेक्स्ट है, समवर्ती फीडबैक नौसिखिया को दिया जाता है। तो समवर्ती जो फीडबैक है, समवर्ती फीडबैक नौसिखिया को कार्यशीलता के दौरान दिया जाता है। कब दिया जाता है? कार्यशीलता के दौरान। दोस्तों, यह आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रबंधन और प्रशासन से क्वेश्चंस है, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, उपलब्धि उत्प्रेरणा का संबंध है। तो दोस्तों, उपलब्धि उत्प्रेरणा का संबंध है व्यक्ति की आवश्यकता से। नेक्स्ट है, टर्मिनल फीडबैक नौसिखिया को दी जाती है। टर्मिनल फीडबैक नौसिखिया की दी गई सूचना है। तो दोस्तों, यह आपका कार्यशीलता के पश्चात दिया जाता है, यानी कि जो आपका समवर्ती फीडबैक है वो नौसिखिया को कार्यशीलता के दौरान दिया जाता है, और टर्मिनल फीडबैक कार्यशीलता के पश्चात दिया जाता है। नेक्स्ट है, अवसरों की समानता तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व निम्न प्रशासन में दिया जाता है। तो दोस्तों, सबको समान अवसर, विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो महत्व है, यह किस प्रशासन में होता है? तो यह लोकतांत्रिक प्रजातंत्र यानी प्रजातांत्रिक जो लोकतंत्र है, जिसे डेमोक्रेटिक प्रशासन बोला जाता है, उसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न कारक प्रशासन के स्वरूप को निर्धारित तथा प्रभावित करता है। ऑप्शन है, सांस्कृतिक कारक, ऐतिहासिक कारक, राजनीतिक कारक। तो ये सभी कारक आपको प्रशासन के स्वरूप को निर्धारित तथा प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, भारत में निरीक्षण पद्धति कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में निरीक्षण पद्धति 1854 में से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों की विकास में एक सहायता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डब्ल्यू किम्बल का। इनका कहना है कि पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों की विकास में एक सहायता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण जो वर्तमान समय में एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी माना जाता है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण शिक्षण अधिगम परिस्थिति का कारक सुधार करना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है विलियम ए ईगर का। वीडियो पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षक एक कुशल तकनीकी सेवा है जो उन दशाओं का अध्ययन करने तथा उनमें उन्नति करने से संबंधित होती है, जो सीखने तथा छात्र विकास बहु ओर व्याप्त है, निम्न किसका कथन है? यह कथन है बार ए तथा हुकरन का।
नेक्स्ट है, एक परिनिरीक्षक में निम्न गुण होता है। तो दोस्तों एक परिनिरीक्षक यानी सर्वेक्षणकर्ता में उदारता, उत्तम चरित्र, रचनात्मक नेतृत्व, ये सभी गुण होता है। नेक्स्ट है, संस्थागत नियोजन उनके कार्यक्रमों का जोड़ है जिनके संस्था द्वारा अपनी अनुभूत आवश्यकताओं तथा निज के उपलब्ध एवं भविष्य में उपलब्ध संस्थाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। निम्न किसका कथन है? यह कथन है एम बी बूच का। नेक्स्ट है, मानव संस्थान विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो मानव संस्थान विकास मंत्रालय का गठन 26 सितंबर 1981 को किया गया। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन कब किया गया? तो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1954 में किया गया है। नेक्स्ट है, कुंजरू समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों हृदयनाथ कुंजरू समिति की स्थापना 1969 में हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना जनवरी 1961 में किया गया था। नेक्स्ट है, बाल भवन सोसाइटी भारत की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो बाल भवन सोसाइटी भारत की स्थापना 1955 में हुआ था। नेक्स्ट है, कुंजरू समिति ने अपने सुझावों से सरकार को किस वर्ष परिचित कराया? तो जैसे कि कुंजरू समिति की स्थापना गठन हुआ था 1959 में, और ये अपने सरकार को सुझाव दिया था, रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1963 में। नेक्स्ट है, निम्न सुझाव कुंजरू समिति ने सरकार को दिया। तो 1963 में जो कुंजरू समिति ने सरकार को रिपोर्ट पर सुझाव दिया था, तो उसमें क्या सुझाव दिए थे कि मनोरंजन प्रिय व्यापार को अपनाना, प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित करना, कॉलेज स्तर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर अपनाएं। ये सभी सुझाव दिया गया था, उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोरंजन का अत्याधुनिक उपकरण क्या है? तो यहाँ पे मोबाइल फोन भी है, कंप्यूटर भी है, इंटरनेट है, यही आपके अत्याधुनिक उपकरण हैं मनोरंजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी अपनी मनोवैज्ञानिक दशा, शरीर कार्य की दशा, क्षमता, योग्यताओं आदि को नहीं बना पाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों यह प्रक्रिया कहलाती है निहित क्षमताओं का विकास एवं उपयोग की प्रक्रिया। निहित क्षमताओं का विकास एवं उपयोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी को स्वयं की योग्यताओं से परिचित कराकर एवं विकास करके खेल प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ बनाने में योगदान प्रदान करो, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया भी कहलाती है निहित क्षमताओं का विकास एवं उपयोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों खेल प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं 11 होती हैं, यहाँ पे कोई भी सही नहीं होगा, उपरोक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट है, जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं हैरे वैज्ञानिक, हैरे नाम के वैज्ञानिक, जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग के लेखक हैं।
नेक्स्ट है जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग पर एक पुस्तक लिखी गई है, यह कथन यह कौन सन में प्रतिपादित हुआ था? तो इसको लिखा था हैरे वैज्ञानिक ने, और कौन सन में यह प्रतिपादित किया गया था? तो 1957 में। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को प्रतिपादित किसने किया था? तो खेल प्रशिक्षक को 11 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था बेनर, फील्ड और स्क्रोटन ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, खेल प्रशिक्षण को 11 सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था? बेनर, फील्ड और हैरो ने। बेनर, फील्ड और हैरो ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल प्रशिक्षण के 11 सिद्धांतों को कौन से सन में प्रतिपादित किया गया था? तो यह 1979 में बेनर, फील्ड और स्क्रोटन इसके प्रतिपादक हैं। जैसे कि दोस्तों यह 11 सिद्धांत आपके हैं, प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन एंड कंटिन्यूटी यानी लगातारता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड अतिभार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज यानी व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत एंड प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन यानी सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी यानी विशेषता का सिद्धांत एंड प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवर यानी आराम तथा पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत एंड प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी यानी चक्रीयता का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी यानी विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन यानी प्रगतिक्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग रिजल्ट यानी परिणाम प्राप्ति का सुनिश्चित करने का सिद्धांत एंड प्रिंसिपल ऑफ योजनाबद्ध क्रमबद्ध ट्रेनिंग का सिद्धांत, स्पर्धा का सिद्धांत। ये सब आपके खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है बेनर, फील्ड और स्क्रूटन ने खेल प्रशिक्षण के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए? तो अभी जस्ट आप देखे हैं 11 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। नेक्स्ट है योग की राष्ट्रीय संस्थान निम्न शहर में स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। योग की राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है पतंजलि कृत योग सूत्र में पहला अध्याय और पाद कौन है? तो दोस्तों पतंजलि कृत जो योग सूत्र है उसमें समाधि पद, साधना पद, विभूति पद, कैवल्य पद, ये चार पद हैं यानी चार अध्याय हैं, जिसमें से पहला अध्याय है आपका समाधि पद। पहला अध्याय क्या है? समाधि पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि कृत योग के किस पाद में योग की परिभाषा और उसके स्वरूप, चित्त विरोध के विभिन्न उपाय और योग के विभिन्न प्रकार की व्याख्या की गई है? तो यह किस अध्याय यानी किस पाद में कहा गया है? तो यह कहा गया है आपका समाधि पाद में। किसमें? समाधि पाद में। नेक्स्ट है चित्त की स्थिरता के लिए आंतरिक एंड बाह्य साधनों का वर्णन पतंजलि कृत योग निम्न पाद में किया गया है, तो वह है आपका साधना पाद में। नेक्स्ट है आंतरिक साधनों के साथ साथ योगाभ्यास के सिद्धियों का वर्णन किस पाद में किया गया है? तो विभूति पाद में। नेक्स्ट है मुक्ति अथवा मोक्ष के स्वरूप का पूर्ण रूप से विवेचन निम्न पद में किया गया है, तो किया गया है आपके कैवल्य पाद में, यानी कि आपके जो पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि ने योग सूत्र को चार अध्याय में यानी चार पाद में बांटा है, समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। तो समाधि पाद जो प्रथम अध्याय है, समाधि पाद में पतंजलि ने योग की परिभाषा, योग के स्वरूप, अचित वृत्तियों के विभिन्न उपाय के बारे में व्याख्या की है और योग के विभिन्न प्रकार के बारे में व्याख्या की है समाधि पाद में। और साधना पाद में चित्त की स्थिरता के लिए आंतरिक और बाह्य साधनों का वर्णन किया है एंड विभूति पाद में आंतरिक साधनों के साथ साथ योगाभ्यास के सिद्धियों का वर्णन किया है
और कैवल्य चौथा पाद जो चौथा अध्याय है उसमें मुक्ति अथवा मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया है। नेक्स्ट है चतुर्योग में निम्न योग सम्मिलित है। तो इसमें आपका कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है निम्न योग मन की चंचलता को समाप्त कर इच्छाओं को नियंत्रण करना सिखाता है। तो कौन सा योग है? तो ये पतंजलि का राजयोग है। राजयोग में मन की चंचलता को समाप्त कर इच्छाओं का नियंत्रण करने को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया। तो भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय किसने बनाया दोस्तों? तो वह अंग्रेजों ने बनाया। नेक्स्ट है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1920 में चेन्नई में HC बैक के द्वारा किया गया। जैसा कि 6 जून 1844 को इंग्लैंड में सबसे पहले इसकी स्थापना किया गया था जॉर्ज विलियम के द्वारा। एंड 1883 में अमेरिका में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में शुरू किया गया था। और भारत में पीएम जोसेफ ने 1920 में चेन्नई में इसकी स्थापना की YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने किया था? तो आप सबको पता है HC बक ने 1920 में किया था। दोस्तों YMCA का वर्तमान मुख्यालय वह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई? तो 1914 में महाराष्ट्र के अमरावती में किया गया। नेक्स्ट है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना किसने किया था? तो दो वैद्य भाई ने अंबादास वैद्य और पंत ने किया था। नेक्स्ट है हैदराबाद में सारे शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया? तो दोस्तों हैदराबाद में सारे शिक्षा का राजकीय कॉलेज खोला गया 1931 में। नेक्स्ट है 1932 में लखनऊ में क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज किस देश की सहयोग से खोला गया? तो 1932 में लखनऊ में क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज अमेरिका के सहयोग से खोला गया। किसके सहयोग से? अमेरिका के। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कांदीवली कब खोला गया? तो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कांदीवली वह 1938 में खोला गया। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब और किसने की थी? तो शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना 1940 में श्री हेग ने किया था। नेक्स्ट है राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू की गई थी? तो ये आप सबको पता है 1953 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है 13 से 16 साल की लड़कियों के लिए NCC स्कीम कब लागू की गई? तो 13 से 16 साल की लड़कियों के लिए NCC स्कीम 1952 में लागू की गई। नेक्स्ट है भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो महाकाव्य काल। भारत के प्राचीन इतिहास में शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो महाकाव्य काल को। ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है विश्व लेवल के परिप्रेक्ष्य में, तो उत्तर एथेंस काल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुआ था और इसके पहले विजेता आपके हैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले
विश्वनाथन आनंद। कौन है? विश्वनाथन आनंद। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भारत का। यह 4 वर्षों की अवधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और यह प्रथम पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को चेस यानी शतरंज में दिया गया है। और भारत का सबसे कम उम्र आयु में प्राप्त किया है अभिनव विद्या ने 18 वर्ष में। और कर्ण मल्लेश्वरी को दिया गया है 94-95 में। यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बनी। इसमें धनराशि 25 लाख दिया जाता है और 2022 में यह पुरस्कार दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंत शरत कमल को, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीन बोन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सीन बोन टिबिया हड्डी को बोला जाता है, जो टखने के पास से अंगूठे के साइड से शुरू होकर के घुटने तक जाती है, टिबिया हड्डी। वहीं पे एंटीरियर लेग पेन यानी कि चोट लगती है, जिसे सीन पेन भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये था आपके 50 क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन थोड़ा टफ जरूर है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा तभी याद होगा। तो दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और जो भी दोस्तों कमियां होंगी उसको भी बताइएगा, मैं आपके डाउट और अपनी कमियां दोनों को पूरी कोशिश करूँगी दूर करने की। और इसी तरह के वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।